आरसीबी और मुंबई इंडियंस के बीच आईपीएल का 39वां मुकाबला खेला जा रहा है। आपको बता दें, एक तरफ विराट कोहली है तो दूसरी तरफ मुंबई के तूफानी बल्लेबाज रोहित शर्मा कप्तानी कर रहे हैं। इस मुकाबले में मुंबई ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया। रोहित का यह फैसला शुरू में तो सही साबित हुआ, क्योंकि मात्र 7 रन के स्कोर पर ही देवदत्त पड़िक्कर 0 रन पर आउट हो गए। लेकिन उसके बाद विराट कोहली और भरत ने शानदार साझेदारी की, लेकिन 75 रन के स्कोर पर भरत 24 गेंदों में 32 रन बनाकर चलते बने, जिसमें उन्होंने 2 शानदार चौके लगाए और 2 शानदार छक्के भी जड़े। दूसरी तरफ तारीफ करनी होगी कप्तान विराट कोहली की, जिन्होंने दूसरा छोर संभाले रखा और अपनी टीम के लिए शानदार अर्धशतक लगाया। आपको बता दें, विराट कोहली ने 40 गेंदों में अपना अर्धशतक ठोका, जिसे देखकर मुंबई के कप्तान रोहित शर्मा टेंशन में तो जरूर होंगे, लेकिन उसके बाद रोहित शर्मा ने बड़ी चालाकी के साथ अगली गेंद थमाई मिलन को और मिलन ने विराट कोहली को कैच आउट करा दिया। विराट कोहली 42 गेंदों में 51 रन बनाकर चलते बने, लेकिन इस पारी में उन्होंने 3 शानदार छक्के लगाए और 3 शानदार चौके। फिलहाल देखना होगा कि आने वाले बल्लेबाज किस तरह का खेल दिखाएंगे। तो आप भी इस वीडियो को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइन स्पोर्ट्स के साथ।